हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बज रहे हैं सुबह के 11। तो मौसम को देखकर आपको ऐसा लग नहीं रहा होगा कि अभी दोपहर के 11 बज रहे हैं, लेकिन अभी ना एक थोड़ी देर पहले बहुत ही तगड़ी वाली बारिश हुई थी। तो मौसम ना एकदम ऐसा ठंडा ठंडा वाला हो रहा है, तो गर्मी भी नहीं लग रही है। तो आज का दिन तो ऐसा लगता है कि बहुत ही सुकून से गुजरेगा। आज है संडे, तो आज हस्बैंड की फरमाइश पर होने वाला है संडे स्पेशल लंच। तो इससे पहले जो है ना, वो मैंने ब्रेकफास्ट का जो बर्तन वगैरह है ना, वो सब क्लीन करके रख दिया है। तो सबसे पहले तो इनको जो बर्तन है ना, उनको अपने अपनी जगह पर रख देते हैं। आज लंच स्पेशल में बनने वाली है मेरे किचन में बिरयानी और लीवर मसाला। लीवर ही बोलते हैं ना उसको, कलेजा ऐसा ही कुछ बोलते हैं, वही कुछ बनने वाला है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ मेरी बिरयानी की रेसिपी। बिरयानी की रेसिपी तो वैसे सबको मालूम है, लेकिन मैं मेरे स्टाइल में कैसे बनाती हूँ जुगाड़ू बिरयानी, वो मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने चावल बनाने के लिए जो है ना, वो पानी उबालने को चढ़ा दिया है। आज की बिरयानी में मैं यूज़ करने वाली फॉर्चून का बिरयानी स्पेशल राइस। हमारा पानी जो है वो गर्म हो चुका है, मतलब अभी उसमें ना उबाल जो है वो नहीं आया है, वो सिर्फ हल्का सा गर्म हो गया। तब हम इसमें डालेंगे लगभग 1 से 2 चम्मच नॉर्मल जो तेल होता है ना हमारे घर में वो, और खड़े मसाले। खड़े मसाले में मैं उसमें डालूंगी 1 तेज़पत्ता, 1 हरी इलायची, 4 लौंग और 4 काली मिर्च। और अब मैं इसमें डालूंगी 1 हरी मिर्च, जिसको मैंने कट करके इसके 2 टुकड़े कर दिए हैं। और जब तक हमारा पानी उबल जाता है, तब तक मैंने साइड में जो बासमती का चावल है वो धोकर साफ़ करके रख दिया है। अब हम करेंगे अपने चिकन को मैरिनेट। चिकन को मैरिनेट करने के लिए हम इसमें डालेंगे दुनिया भर के सारे मसाले, यानी कि 1 से 1.5 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1.5 से 2 चम्मच शाही बिरयानी मसाला और 200 ग्राम्स ऑफ दही। और इन सबको अच्छे से मिक्स करके साइड में रख देंगे जब तक कि हमारे चावल बनकर तैयार नहीं हो जाते। और साइड बाई जो है ना, वो हम करेंगे अपनी ग्रेवी की तैयारी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 4 टमाटर, 4 ओनियन और 3 हरी मिर्च। 4 ओनियन में से जो है ना, वो 1 ओनियन जो है वो फ्राई के लिए जाएगा और 3 जो है वो ग्रेवी में डालेंगे। अब फटाफट से इन सबको करते हैं चॉप। गैस को ऑन करके करेंगे बर्तन को गरम और फिर उसमें डालेंगे 4 चम्मच तेल। तेल गरम हो जाने पर सबसे पहले हम फ्राई करेंगे काजू और उसके बाद लंबा कटा हुआ प्याज। उसी तेल में अब हम डालेंगे थोड़ा सा बटर। बटर मेल्ट हो जाने के बाद डालेंगे खड़े मसाले। खड़े मसाले में आपको जो भी पसंद है वो आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर डाला है थोड़ा सा जीरा और 1 तेज़पत्ता। और उसके बाद अब हम डालेंगे हरी मिर्च और प्याज। ओनियन को जो है वो हल्का सा गोल्डन ब्राउन आने तक हम फ्राई करेंगे और उसके बाद डालेंगे कटा हुआ टमाटर, और टमाटर को भी जो है वो हल्का सा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। हमारा टमाटर जो है वो एकदम सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच नमक को अच्छे से करेंगे मिक्स, और उसके बाद डालेंगे हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन। चिकन को जो है करेंगे अच्छे से मिक्स और ढककर 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा चिकन जो है वो पूरी तरह से पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे होममेड गरम मसाला 1 चम्मच और 1 चम्मच हरी पेस्ट, जो कि है अदरक, लहसुन, ग्रीन चिली और कोरिएंडर से बनी हुई। और ऊपर से हम राइस जो हमने बॉईल करके रखे हुए थे उनकी करेंगे लेयरिंग, और उसके ऊपर से डालेंगे फ्राई किया हुआ काजू और प्याज। ऊपर से कोरिएंडर डाल के ढककर इसे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे स्टीम होने के लिए रख देंगे। और लो जी, हो गई हमारी बिरयानी एकदम रेडी।
देखकर ही आ गया ना मुंह में पानी। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि ये रेसिपी कैसी बनी थी। और जो मैंने मेरी नेक्स्ट डिश बनाई थी ना, लीवर सुखा या लीवर मसाला, कलेजा, जो भी है, उसकी रेसिपी जो है ना वो मैं दूंगी आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरा नेक्स्ट व्लॉग जो है, जो आएगा नेक्स्ट डे, वो देखना ना भूलिएगा। जब मैं किचन में कुकिंग कर रही थी ना, तो हल्की सी धूप निकल आई थी, तो मैंने क्या किया कि ऊपर टेरेस पे जो है ना वो मेरे कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए। और जब हम खाना खाने के लिए बैठे ना, तभी बहुत ही ज़ोर से तगड़ी वाली बारिश शुरू हो गई, तो मेरे कपड़े जो है ना वो ऊपर पूरे भीग गए। और फिर खाना खाने के बाद ना ये ऊपर गए और ऊपर जाकर जो है ना वो सारे कपड़े लेकर नीचे आ गए, लेकिन वो जो कपड़े है ना वो पूरे भीग गए थे। फिर से मुझे वॉशिंग मशीन में डालकर उन्हें ड्राई करना पड़ा। और तब तक मैं छाता लेके आंगन में एक राउंड लगा के भी आ गई, ऐसे ही बारिश का मज़ा लेने के लिए।